हेलो दोस्तों एस के मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हो आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मेरे सामने आया है जियो का मोबाइल की पैड का तो इसमें समस्या क्या है इसके काफ़ी बटन नहीं चल रहे हैं और कुछ चल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं तो ये समस्या हम कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में मैंने बताया दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम भी चाहते हैं जब हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा हम भी और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों जब मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ इसको दोस्तों कैसे करने सच दोस्तों ये जियो के मोबाइल में ये सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम है देखिए इसका डाउन वाला बटन में बहुत ज़्यादा टाइट दबा रहा हूँ कैमरा को बिल्कुल पास ले आता हूँ देखिए मेरा नाखून में पीछे दबा हो रहा है इतनी तेज़ दबा रहा हूँ फिर भी नहीं चल पा रहा है तो और नीचे के बटन को चेक करते हैं हम दोस्तों देखिए जी यहाँ पे सिक्स वाला बटन भी काम नहीं कर रहा और यहाँ पे हैज वाला बटन भी काम नहीं कर रहा है तो यानी कि उसमें कुछ बटन है जो हमारे काम नहीं कर रहे हो और कर रहे भी रहे हैं तो वो टाइट कर रहे हैं तो इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैटरी को इसको निकाल लेना है पावर फोन को स्विच ऑफ करना है और इसकी इसको यहाँ पे वन बाय वन पेज खोल लेते हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना आप। आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है जो नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लो यार मैं रोज़ एक वीडियो दूंगा आपको फिर इतनी अच्छी दूंगा इन्फॉर्मेशन आपको जो बिल्कुल सही होगा सटीक होगा क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा मोबाइल रिपेयर वन आते हैं रोज़ तो मैं रोज़ एक वीडियो डालने कोशिश करूँगा अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे रोज तो हमें यहाँ पे देखिए खोल लेना होगा हमने मदरबोर्ड हमने अपन ओपन कर लिया है अब हमें करना क्या है पहले तो हल्का सा ब्रश से इस तरह से ऊपर सफ़ा कर लें और ये जो पावर की आप छोटी छोटी ये दोस्तों पावर क्या बहुत छोटी छुट छोटी बटन की की देख रहे हैं आप इनको ये पत्ता सा उतार लेना है उतारने के बाद आपको करना क्या है आपके पास अगर पेट्रोल हो तो पेट्रोल अगर थिनर हो तो थिनर हल्का सा या फिर एक इरेजर हो वाली हमारी ये होती है जो हमारी नॉर्मली एक रबड़ होती है एक रुपये वाली दो रुपये वाली आती है तो इससे आप इसको इस तरह से हल्के हाथ से फेरें और मदरबोर्ड को टाइट पकड़ना है डिस्प्ले के पास में आप हल्के से फेरना है मतलब तो डिस्प्ले पर टच नहीं होना चाहिए इस तरह से इस तरह से आपको करते रहना है कम से कम भी डेढ़ से दो मिनट जब तक आपको नोना लग जाए कि हाँ बिल्कुल हमारा क्लीन हो गया फिर आपको लेना है प्लीज पीसीबी क्लीनर ये क्या होता है ये हमारा थिनर होता है ज़्यादातर और हमारे यहाँ पे पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो तो इस पर हल्का सा इस तरह से स्प्रे करना है एक दो बूंद गिर जाए और इस तरह से ब्रश से आपको रगड़ देना है कोई दिक्कत नहीं है सफा करिए अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी बेफिक्र होकर करिए काम को कोई दिक्कत नहीं है और फिर हल्का सा मोबाइल को आप सौखा लें सौखाने की ज़रूरत भी नहीं है यहीं पर अपने आप सूख जाएगा पेट्रोल से ना इतनी जल्दी उड़ता है कि वो जल्दी सूख जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है दोस्तों इसमें ज़्यादा ये समस्या आती ही है जियो मोबाइल में और जो इसकी आप छोटी छोटी ये देखिए की देख रहे हैं इस पर आप हल्का सा इस तरह से ब्लेड फेर दें सभी पे हल्का हल्का सा फेर देना उससे क्या होगा इस पर जो डस्ट होता है हमारा साइड से चिपकन जो बनी रहती है वो हमारे इसमें की को ना चलने के लिए कारण बन जाती है उसमें हमारे बटन नहीं चल पाते वो रीज़न इसका यही होता है कि डस्ट हमारा जम जाता है जल्दी की पैड मोबाइल पर आप करके रखो आगे से जल्दी ख़राब नहीं होता है तो कोई आपको ब्लेड इस तरह से हल्का हल्के हाँ हाथ से पूरे सभी की पे फेर देना है तो दोस्तों अब हमारा ये हो चुका है क्लीन इसके बाद आपको ये वापस ऐसे ही लगानी आप वापस लगाने का इसका तरीका है इसमें छोटी छोटी सी बिंदियाँ होती हैं उनको मैच करके लगाना होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कोने में है पजरा और एक देखिए इधर है एरी एक इधर है छोट छोटे छोटे डॉट हैं ऐसे ही आपको डॉट की कटिंग बनी हुई होगी इस पत्ते के अंदर वह आपको मैच करके ऊपर से रख देना है और इस पर हाथ फेर देना है चारों तरफ इस तरह से तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा अब दोस्तों हम इसको यहीं पे पैक करके एक बार हम इसको सभी बटन इसके चेक करके देखते हैं दोस्तों आप याद रहे इस पर आप सोल्डिंग ना करें वैसे क्या करते हैं दोस्तों इस पर सोल्डिंग कर देते हैं आयरन से वो कुछ समय के लिए चलता है एक दो दिन के लिए हफ्ते भर के लिए फिर वही समस्या बन जाती है प्लीज़ आप इस पर सोल्डिंग ना करें क्योंकि मेरा अजमाया हुआ नुस्ख़ा है ये मेरे पास ये रोज़ दो से तीन मोबाइल जियो के आते हैं आपको लगेगा कि आप सर मजाक कर रहे हो पर ऐसा नहीं है मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगा मेरी दुकान में कितने सारे मोबाइल रखे हैं धेरे सौ मोबाइल यहाँ पर रखे हुए हैं अभी भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है और ये अब ऑन प्रॉपरली हो रहा है पहले उसमें ऑन होने देंगे फिर हम इसको दोस्तों चेक करेंगे दोस्तों हम चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि हमें अगर वीडियो को आप लाइक करोगे तो उससे हमें लगेगा कि हाँ हमारी वीडियो को कोई देख के खुश होता है फिर हम भी खुश होंगे कि हाँ हमारी वीडियो को कोई देखता है और अच्छी लगती है ना लगे तो यार कोई बात नहीं है हम मेहनत करते हैं हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए तो दोस्तों इसको अब भैया ऑन हो गया है तो ये कस्टमर ने फोटो लगा के चलो फ़ोटो से हमें कुछ नहीं लेना दोस्तों देखिए बटन आगे का बटन और नीचे डाउन और ये देखिए लेफ्ट राइट ये डाउन अप ये देखिए चल रहा है ये टेम्परेचर कुछ दिखा रहा है छोड़ो इसको फिलहाल हम यहाँ की पैड चेक करनी है एक बार मैं चलो उसका कवर ही लगा के दिखाता हैं ऊपर का और फिर मैं इसको एक बार चेक करता हूँ दोस्तों ये दोस्तों हैंग भी हो रहा है हैंग किस कारण होता तो है जरा इसकी मेमोरी इंटरनल भर देते हैं ना उसकी वजह से हैंग होता है दोस्तों बैटरी हिल चुकी है शायद तो इसको ऑन करते हैं एक बार दोबारा तो दोस्तों देख सकते हैं कीपैड है कुछ चेक करते हैं देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन देखिए अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है हल्का सा प्रेस करने पर ही अभी ये चल रहा है देखिए काफ़ी अच्छे से अभी वन टू थ्री फोर वगैरह चेक करते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वो हैज स्टार है जीरो है देखिए बैक भी काम कर रहा है और हमारा ये क्लियर का भी काम कर रहा है मतलब ये देखिए काम कर रहा है कॉन्टैक्ट का भी काम कर रहा है तो सारी चीज दोस्तों काम कर रही है दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप भी इसी तरह से रिपेयर कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों में शेयर करना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है इसके बहुत से आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं तो आप ये फ्री में ही कर सकते हो आज के लिए इतना ही दोस्तों